अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है जरमीन और आप देख रहे हैं किचन विद जरमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसका नाम है स्टफ टिंडे, जिसे हम भरे हुए टिंडे भी कहते हैं, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। जिन लोगों को टिंडे नहीं पसंद है, वो इस तरीके से टिंडे बनाए, वो खाने लग जाएंगे टिंडे। तो अब देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनते हैं। तो भरे हुए टिंडे बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पर मैंने 1 किलो टिंडे लिए, 3 टमाटर जिनको मैंने काट लिए, 3 प्याजों को भी मैंने काट लिए, 6 से 7 सब्जी मिर्चे, 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, ये मैंने नमक वाला लिया, और 1/2 चम्मच यहाँ पे मैंने लिया गरम मसाला, 1/2 चम्मच नमक। आमचूर पाउडर मैंने नमक वाला लिया तो इसलिए मैं नमक का इस्तेमाल कम करूँगी। तो चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टिंडों में कट लगाएंगे। ऐसे हम कट लगाते जाएंगे। सारे टिंडों पे मैंने कट लगा लिए हैं, ये देखें। तो ये जो मसाले मैंने आप लोगों को दिखाए थे, इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। इन्हें मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। अब हमने जो ये टिंडे काटे थे, इनके अंदर हम ये मसाले डालेंगे। और जो इजाफी है वो हम निकाल लेंगे और रखते जाएंगे। इसी तरह हम सारों पे लगा लेंगे मसाला। तो सारे टिंडे मैंने भर लिए, तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। कढ़ाई में मैंने 1/2 कप ऑयल लिया, इसमें हम 1-1 करके टिंडे डालेंगे। सारे टिंडे मैंने कढ़ाई में डाल दिए, अब हम इन्हें हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। तो एक साइड से हमारे टिंडे फ्राई हो गए हैं, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। टिंडे हमारे दोनों साइडों से फ्राई हो गए, इन्हें हम निकाल लेंगे। अब इसी ओवन में हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे प्याज, टमाटर और सब्जी मिर्चे। इसे हम कर लेंगे मिक्स।
अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक डालेंगे और हम इसे मिक्स कर लेंगे। मसाले को मैंने अच्छे तरीके से भून लिए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे टिंडे और मिक्स करेंगे। अब हम इसे 20 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 20 मिनट हो गए, हम ढक्कन उठाएंगे और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। तो तैयार है हमारे बहुत ही मज़े के भरे हुए टिंडे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर डिलीशियस रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, ये बिल्कुल फ्री है। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़।